गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे एक मजेदार स्टोरी। स्टोरी में कहानी, सभी को पता है ना। आपको पिक्चर देख के ये ड्राइंग देख के समझ में आ रहा है कि स्टोरी कौन सी है। आप नर्सरी में पढ़ चुके हैं मेरे ख्याल से, आप सभी को पता होगा कि ये कौन सी स्टोरी है, पता है। चलो फिर भी मैं आपको एक बार बताती हूँ। What is the name of the story? A thirsty crow. Story का नाम है एक प्यासा कौवा। चलें शुरू करें। Okay. मैं first English में भी बताऊंगी, then हिंदी में भी आपको समझाऊंगी। So start करते हैं हम लोग। It was a summer. गर्मियों की बात है। The day was very hot. दिन बहुत ही गर्म थे। It was the summer. The day was very hot. A crow was very thirsty. जो कौवा था वो बहुत ही प्यासा था। A crow was very thirsty. He looked for water here and there. वो पानी को क्या करने लगा, यहाँ वहाँ ढूंढने लगा। वन मोर टाइम वी रिपीट। इट वॉज अ समर, द डे वॉज वेरी हॉट। ही लुक फॉर वॉटर हियर एंड देयर, बट ही कुड नॉट फाइंड एनी वॉटर। पर उसे पानी कहीं भी नहीं मिला। बट ही कुड नॉट फाइंड एनी वॉटर। एट लास्ट मीन आखिर में। At last, he saw a pot. Means उसे एक घड़ा दिखा। आखिर में उसे एक घड़ा मिला। At last, he saw a pot with very little water inside. उसमें बहुत ही कम पानी था। At last, he saw a pot with very little water inside. He thought of a plan. फिर उसे क्या एक आइडिया आया, एक प्लान आया दिमाग में। ही थॉट ऑफ अ प्लान। ही पिक्ड अप स्टोन्स। स्टोन्स मीन छोटे छोटे पत्थर। ही पिक्ड अप स्टोन्स एंड ड्रॉप देम इनटू द पॉट वन बाय वन। उसने आसपास घड़े के आसपास पड़े हुए छोटे कंकर उठाए और घड़े में डालना, एक एक करके डालना शुरू किया। ही पिक्ड अप स्टोन्स from nearby and drop them into the pot one by one. The water came up. Pani upar aa gaya. The water came up. The crow drank the water and flew away happily. फिर कौवे ने अच्छे से पेट भर के पानी पिया और वो फिर हंसी खुशी उड़ गया। मजे आया, सभी को मजे आया। एक बार और मेरे साथ बोलेंगे, चले शुरू करें। इट वॉज अ समर, द डे वॉज वेरी हॉट। अ क्रो वॉज वेरी थर्स्टी। ही लुक फॉर वॉटर हियर एंड देयर, बट ही कुड नॉट फाइंड एनी वॉटर। एट लास्ट ही सो ए पॉट विथ वेरी लिटिल वॉटर इन साइड। He thought of a plan. He picked up stones from nearby and dropped them into the pot one by one. The water came up. The crow drank the water and flew away happily. आए सबको मजे? Okay. आपको पता है ये स्टोरी जो है वो कहाँ पर मिलेगी आपको? सभी के पास ये बुक है, सभी के पास है। आपको ये स्टोरी, आपको इस बुक में पेज नंबर 64, ये पेज नंबर 64, यहाँ पर स्टोरी अ थर्स्टी क्रो आपको मिल जाएगी।